ठीक है, स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप वाले। और अगला क्वेश्चन जो है आज का पहला, वो है लिब्रे ऑफिस में मेनू बार को ओपन करने की कोई शॉर्टकट की है, ट्रू और फॉल्स। शॉर्टकट की से भी मेनू को ओपन कर सकते हैं। एक बार ऑल्ट दबा दीजिए, सारे हाईलाइट हो जाएंगे आपके, सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब सबके लिए शॉर्टकट की है, किसका कहाँ क्या क्या कर करना है। ठीक है, अगला है लाइब्रेरी ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए, कई क्वेश्चन में आता है सॉफ्टवेयर। और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन बातों का भी ध्यान रखिए। कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। आईडी कार्ड पहन लीजिए, आपको बार बार एक ही बात करना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, कैन नॉट प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस विदाउट हैविंग ए प्रिंट प्रीव्यू। क्या हम बिना प्रिंट प्रीव्यू के टाइप प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट प्रिंट ए डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस विदाउट हैविंग ए प्रिंट प्रीव्यू, ट्रू और फॉल्स? ठीक, F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर। यूजफुल सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, सोच के बोला करिए, कोई ऐसा बोल रहे हैं आप तो माइक्रोसॉफ्ट यूजफुल में नहीं आता है, उपयोगी नहीं है, तो फिर इसमें फॉल्स कहां हो गया? रॉन्ग एक्सटेंशन फाइल ओपन, जिसका रॉन्ग एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नेम गलत होता है, वो फाइल ओपन हो जाती है? जिसका भी एक्सटेंशन गलत होगा वो फाइल ओपन ही नहीं होगी, इन बातों का ध्यान रखिए। करेक्ट, कैन नॉट चेंज द विंडो साइज इन लिब्रे ऑफिस, विंडो की साइज को चेंज नहीं किया जा सकता, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक, लिब्रे ऑफिस में डेट फॉर्मेट ऐसा ही, डेट मंथ ईयर ऐसा ही हो, क्वेश्चन आया होता क्या? एक बार क्वेश्चन आया था, फॉल्स या ट्रू था? ठीक, कह रहा है कैन क्विक एक्सेस टूल बार बी कस्टमाइज, एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज किया जा सकता है। कस्टमाइज का मतलब होता है अपने अनुसार कोई चेंजिंग करना, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कल्क राइटर इंप्रेस ड्रा स्मार्ट सिमेट्रिकली, कैन लिब्रे ऑफिस कल्क राइटर इंप्रेस ड्रा स्टार्ट सिमेट्रिकली, मतलब क्या तुरंत तुरंत इसको ओपन कर सकते हैं तीनों को, मतलब चारों को जिसका भी जिक्र दिया है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू होगा। सुनो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया भी था आप लोगों को, इरान लिब्रे सिमेट्रिकली मतलब होता है एकांतर में, एक एक करके जल्दी जल्दी देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, फाइल पे गए, न्यू पे गए, देखिए सब एक एक करके ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस, ओपन हो जाएगा नहीं ओपन हो जाएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा? ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बार व्हिच अपीयर द बॉटम ऑफ लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिना देखे आंसर बता दीजिए। कौन सा बार होता है जो लिब्रे ऑफिस या जो भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट में होता है? क्या होगा? तेज से बोलिए, जो आ रहा है गलत सही, जो डजंट मैटर, पनिशमेंट वाली बात तो है नहीं, जो आ रहा है डाउटली एकदम लाउडली बोलिए, क्या होगा? स्टेटस बार लग रहा है आप लोगों को, चलिए ऑप्शन देख ले रहे हैं, क्या लग रहा है आप? स्टेटस बार ही, चलिए भाई सही है। याद रखिएगा, जब डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी तो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, अदरवाइज में आपका सबसे नीचे क्या होता है? टास्क बार होता है, लेकिन बात जब डॉक्यूमेंट की जाएगी तो सबसे नीचे उसके क्या है? याद रखिएगा इन बातों को। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेट ऑफ, बुलेट ऑन ऑफ जो भी था याद है ना, बुलेट्स का बताया गया था, शॉर्टकट क्या होगा? F12, Shift F12 या अलग, या कंट्रोल F12, देख बताइए, जल्दी बोलिए कौन सा ऑप्शन? बी, सी या ए? देख लीजिए आपके सामने,
खुले वाला ऑप्शन आया था ना। हाँ बुलेट लिस्ट वाला ऑप्शन आया था ना। अच्छा बुलेट लिस्ट आता किस में है? बुलेट कहाँ है? बुलेट बुलेट होता है क्या है? चलाने वाली लगाने वाली। तो किस मीनू का अंदर बुलेट का जिक्र हुआ था? सब दिखा दे तभी बताएंगे क्या? ये दिख नहीं रहा है? हाँ बुलेट एंड नंबरिंग। तू इसमें भी था क्या? बुलेट इसमें कहाँ? बुलेट से इसी में था। बॉडी टेक्स के लिए बताई है बुलेट लिस्ट स्टाइल स्टाइल है और यहाँ पे आ गया स्टाइल और ये फॉर्मेट में बुलेट नंबरिंग है। यहाँ डायरेक्टली आप सुन रहा है कौन सा सही है आपको। शॉर्टकट की क्या था इसका क्या होगा आपको बताया गया था? हाँ शिफ्ट F12। इनेबल नंबरिंग के लिए F12 है, टेबल इंसर्ट करने के कंट्रोल F2 है। ये याद रखिए ऑप्शन के लिमिट कर सकते हैं ना। कंट्रोल F2 तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है, याद आ रहा है ना? अरे भाई इसमें जब हम थे टेबल के लिए था ना कंट्रोल F12, तो एक ऑप्शन तो ऐसे निकाल दिया, दूसरा ऐसे निकल गया, बचा दो F12 या Shift F12। राइट आंसर क्या होगा? Shift F12। राइट आंसर क्या होगा? Shift F12 लिख लीजिएगा। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये तो बता चुका हूँ, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। वर्ड काउंट किसमें है? टूल्स में है और एमएस वर्ड में रिव्यू में बताया है। व्हेन क्रिएटिंग ए टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर बी देयर डिफॉल्ट? कितने रो कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4। व्हेन क्रिएटिंग ए टेबल, जब हम टेबल बनाते हैं सर कितने होंगे? दो। लिखिएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अपीयर व्हेन हाइपरलिंक इज सिलेक्टेड इन लिब्रियोफिस? करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कैसा ऑप्शन दिखता है जब हाइपरलिंक को सिलेक्ट करते हैं लिब्रियोफिस में? प्लेस इन ए डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस इन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट मेल, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट? बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले इंटरनेट, फिर मेल, फिर डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट?
गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्क्रीन क्या है क्या फिर बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट जे। मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस ऑप्शन सी जहां सिर्फ 999 हो। मिनिमम देखो कस्टम लिखा है, कस्टम का मतलब आप ऑप्शन से नहीं आप खुद से करना जब चाह रहे हैं। सबसे मिनिमम कितना होगा हाँ बताइए, मिनिमम सबसे कितना होगा नहीं हाँ बताओ हाँ कितना होता है बोलो बोलो। दो होता है, बहुत अच्छा। एक दिन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक दिन मैंने बताया था कि आप खुद से कम करना चाहे तो दो और खुद से ज्यादा करना चाहे तो 999 वाला। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिफॉल्ट जो होते हैं 6 और 96 होते हैं, ये बता चुका हूँ मैं पहले। लेकिन आप लोग बेवकूफ हैं, सुधरने वाले नहीं है। कितना भी चिल्ला लो कर लो पढ़िए पढ़िए कुछ नहीं करने वाले आप, तो बात अलग है आप लोग की। आप लोग जितना महान नहीं बन सकता है कोई। तो राइट आंसर क्या होगा दो होगा। न्यू स्टाइल की शॉर्टर की बता, ये भी बताया आप लोगों को, कंट्रोल नहीं होगा अल्ट नहीं होगा, क्या लग रहा है शिफ्ट। अरे रुक जाओ यार, न्यू स्टाइल है ना। मैंने स्टाइल न्यू स्टाइल शिफ्ट अपने लिए नहीं होगा, शिफ्ट अपने लिए नहीं होगा, गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। कॉन्फिडेंट है इसीलिए तो हटाया हूँ। चलिए डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है 1 2 3 4 आया था क्वेश्चन। डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है एक होता है। इसमें क्या दिया 0.5 भाई बक 1 होगा 1, ये भी गलत है। डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है एक होता है हाँ चेक कर ले। जो पूछो को नहीं मिलता है सबसे अच्छी चीज ये है गूगल का वो, जो पूछो को नहीं मिलेगा बाकी सब मिल जाएगा। वन ही होगा वैसे 0.75 नहीं होगा ठीक है, वन ही लेके चलिए बाद में इसको देखा जाएगा। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ तो इसको ध्यान में दे ठीक है। अगला दीजिए व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है डिफॉल्ट कैन होता है 20 मारेंगे जहां पर दिमाग सही हो जाएगा। अब यही है लास्ट आपका फॉन्ट की साइज हो रही, तुम पेज की साइज बताने लग रही हो क्या होगा। एक बार गूगल पे सर्च करके भी इसलिए दिखाए थे 10 और 12 में कंफ्यूजन थे आप। व्हाट इज द डिफॉल्ट हाईलाइट कलर, हाईलाइट कलर ब्लू येलो येलो। व्हाट इज सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन मैनेजर याद है लिखवाए हैं कंट्रोल अल्ट ई कंट्रोल शिफ्ट ई बताइए, कंट्रोल अल्ट ई है। तुम सब उल्टा बता रहे हो, लिख लीजिए
इंग्लिश मेनू इज द ऑप्शन आर डोनेट फॉर्म, डोनेट वाला याद आ रहा है, डोनेशन वाला बताइए, देख के बता दीजिए, नहीं बताएंगे डोनेशन वाला। अरे डोनेशन वाला ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ यार, हेल्प होगा, नहीं बता रहे डोनेट वाला, क्यों आप लोग पढ़ नहीं रहे भाई। अगला क्वेश्चन, लिब्रियाफिस राइटर हैज डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस, कैसा होता है? अब तो देख लिया आप लोग, स्टैंडर्ड टूल बार चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग, राइटर का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस कैसा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। हो गया नेक्स्ट, हेडिंग टू का थर्ड वर्ड जानते ही आप लोग, कंट्रोल बोला करिए आप लोग। Which of the following option will be used to change the printer related setting? अगर printer related settings change करना है तो कहाँ जाएंगे आप? Printer में, print preview में, printer setup में, print setup में? Printer setup, print setup, print setup, D. Printer setup में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है। सॉफ्टवेयर की तो अप्लाई हेडिंग इन लिब्री ऑफिस क्या होगा? सारा होगा, कंट्रोल वन, कंट्रोल टू, कंट्रोल थ्री, तीनों होता है। वेयर द ऑप्शन कमेंट इन लिब्री ऑफिस राइटर, कमेंट कहाँ होता है? स्टाइल टूल में होता है क्या? दो ऑप्शन का इसे हट गए, अब क्या बचा? इंसर्ट और फॉर्मेट, कहाँ होगा? इंसर्ट कमेंट, ठीक है। कैन आई गेट आउट लिब्री ऑफिस राइटर, क्या लिब्री ऑफिस राइटर से बाहर आ सकते हैं? बाहर आने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, लिब्री ऑफिस राइटर थ्रू विच टैब कैन चार्ट इंसर्ट, चार्ट इंसर्ट किस टैब से होगा? नाम ही छुपा हुआ है, क्या होगा? ठीक है। हाउ मेनी यूजर इंटरफेस अवेलेबल इन लिब्री ऑफिस राइटर, कितने इंटरफेस अवेलेबल हैं? 2, 3, 4, 5। देख लीजिए 5 होगा, लिख लीजिएगा, 5 यूजर इंटरफेस हैं। हो गया नेक्स्ट, शॉर्टकट बोल्ड करने की शॉर्टकट जानते हैं आप लोग, सेंट्रलाइज करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए,
ऑप्शन सी, इट डज नॉट अपीयर इन लिब्रियम स्लाइडर स्टेटस बार, यह स्टेटस बार में नहीं दिखता है क्या? टोटल कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड, कंप्यूटर नेम, वेयर कैन आई एक्सेस कंट्रोल होम इन लिब्रियम, अगर कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो कहाँ आएंगे? टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, एट द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, या नन ऑफ दिस? टॉप ऑफ द पेज। अच्छा, फार्मूला बार का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एफ टू, क्या लग रहा है? एफ टू, चलिए एफ टू लिख लीजिएगा। फार्मूला बार की शॉर्टकट की केवल फार्मूला बार, एफ टू। डाउट लग रहा है मुझे, सही है। प्रेस एफ टू। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, वेब व्यू, या नन ऑफ दिस? इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल? इम्फेसिस किसमें? स्टाइल में, टूल में, या एडिट या इंसर्ट में? स्टाइल बोल इटली कहाँ है? फॉर्मेट एक्सटेंशन नेम लिब्रे ऑफिस राइटर का ओडीटी। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? कौन सा अलाइनमेंट रहता है? राइट, लेफ्ट, बोथ? लेफ्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? 600। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द लाइन अंडरलाइन द टेक्स्ट कॉल्ड? टेक्स्ट के नीचे जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? अंडरलाइन, बिलो लाइन, बॉटम लाइन? अंडरलाइन। तरह इन विच मेनू द ऑप्शन ऑफ इंड नोट एंड फुट नोट अवेलेबल? इंसर्ट, इंसर्ट, इंड नोट, इंसर्ट, फुट नोट पढ़ाए थे, बात बोले थे, नाम से क्लैरिफाई हो जाएगा। ब्रेक पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर, और लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर, याद आ रहा है ना? ठीक है। In which menu of LibreOffice Writer is the option of automatic spell check? Tools. Spell check का option कहाँ आता है? Tools. ठीक है। Which strip is present below the title bar? LibreOffice Writer. Title bar के जस्ट नीचे कौन सा होता है? Tool bar नहीं होगा, status bar नहीं होगा, menu bar या task bar? Task bar. Task bar तो सबसे नीचे होता है। कौन task bar बोला है वैसे? विशाल है ना? टास्कबार सबसे नीचे होता है। तुम अभी से बता दे रहे हो तुम क्या करने वाले हो, बहुत डर लग रहा है तुम लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रीलोड ऑप्शन इज डिसेबल, रीलोड ऑप्शन जब डिसेबल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो क्या होता है? सेव्ड फाइल, अनसेव्ड फाइल, ऑलवेज डिसेबल, या वेब व्यू? देखना घुमाया है बस, और कुछ है नहीं इसमें। ऑप्शन सी से कोई जाना चाहेगा?
ये कौन सा टाइम है जी? हो गया अगला क्वेश्चन. Which following sorter can use to increase the width of selected column of table? Selected column of table. किसी टेबल के कॉलम को अगर उसकी हमें क्या बढ़ानी हो, साइज को इंक्रीज करना, तो क्या यूज करेंगे? बढ़ाना है तो राइट, घटाना है तो लेफ्ट. क्या लग रहा है? अल्ट राइट एरो से कह रहा है बीच आपने फॉलोइंग शॉर्टकट यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम. एक सेकंड रुक जाइएगा. यहाँ नहीं होगा लग रहा है, लिबरे उसका है, कल का है. क्या था? वही होगा, अल्ट राइट एरो सही है लेकिन. हाँ अल्ट राइट एरो है, लिख लीजिएगा अल्ट राइट एरो ही होगा. अल्ट राइट एरो विच का मतलब क्या होता है? चौड़ाई. चौड़ाई को घटाना है तो लेफ्ट एरो, और बढ़ाना है तो राइट एरो. लिख लीजिएगा. सब एक शिक्ष पड़े हुए हैं. इसे देखिए, फॉर न्यू स्टाइल शॉर्टकट क्या होगा? सेफ 11, सेफ प्लस सेफ 11. अच्छा, ये कौन सी, ये तो पढ़ाया है आप लोगों को, कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहता है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्री लिखता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में क्या लिखता है? पढ़ाए हैं आपने लिब्रेंस लिब्रेशन सेरिफ, बताए थे आप लोगों को. देखिए बाय डिफॉल्ट रहता है, जिनको नहीं पता लिख लीजिएगा. जो लोग ऑनलाइन भी आंसर बता रहे हैं बहुत अच्छा है, मेहनत करिए आप लोग. अगला क्वेश्चन, लिब्रियाफिस में शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट शेप. अगर शेप का डुप्लीकेट लेना है, जैसे एमएस वर्ड में तो कंट्रोल डी था, डुप्लीकेट हो जाता था, यहाँ क्या होगा? लिखिए शिफ्ट एफ थ्री से. डुप्लीकेट शेप के लिए, डुप्लीकेट शेप के लिए क्या लिखा है? शिफ्ट एफ थ्री. हाँ क्या क्या दिया हुआ है? कंट्रोल एफ थ्री भी दिया हुआ है. ठीक, नेक्स्ट. कैन द स्टेटस बार इनेबल डिसेबल? स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल किया जा सकता है. हाँ
रिसेंट डॉक्यूमेंट इन लिब्रेऑफिस ओनली मीन्स रिसेंट ओपन, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट लिखा रहता है इसका मतलब रिसेंटली जो ओपन किया उसका मतलब वही है ना। रिसेंट डॉक्यूमेंट इन लिब्रेऑफिस ओनली मीन्स रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट, नहीं जो पुराने और भी निकालेंगे वो भी बताएगा रिसेंट में क्या होगा, हमने सिर्फ आज के नहीं जो पुराने ही ओपन किए वो भी तो बताएगा ना रिसेंट में। रिसेंट कह रहा है लाइन का मतलब ये कह रहा है कि रिसेंट में ओपन किए हैं, रिसेंट जो ऑप्शन दिया रहा लिब्रे ऑफिस में यही फाइल पे नहीं जा रहा है रिसेंट वाला दिखता है यहाँ पे, रिसेंट में जो भी दिखेगा दिखेगा। तो ये बता रहा है कि अगर इसमें रिसेंट वाला ऑप्शन आता है तो रिसेंट का मतलब होता है जो तुरंत ओपन हुआ सिर्फ वही दिखाएगा, नहीं जो रिसेंटली लास्ट में जितना भी दिखाया है जितना दिख सकता है उस पेज में दिखेगा। ये समझिएगा विंडो के साथ आर करके हमने विन वर्ड ओपन किया, जैसे ओपन करेंगे रिसेंट में देखिए जितना दिख रहा है, जरूरी नहीं सबाजी ओपन किया गया अभी तक तो पढ़ाई नहीं गया है ओपन कहां से हुआ, रिसेंट का मतलब जो हाल में ही किए या पहले के जो किए सब दिखाया है रिसेंट। अगला क्वेश्चन, द टेबल ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टेक्स्ट, टेबल को अक्षर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्या लग रहा है फॉल्स होगा। टेबल ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टेक्स्ट फॉल्स होगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए दो चार क्वेश्चन और देख लीजिए, कैन क्रिएट रिफाइन हैचिंग पैटर्न इन लिब्रे ऑफिस, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो हम लोग को मिला नहीं था उसके भीतर लिख लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिपल सी में इसलिए लिख दिया हूँ। हैचिंग का मतलब सेना होता है किसी चीज की हिफाजत करना, तो राइट आंसर होगा फास्ट, इसमें वो सब ऑप्शन नहीं है हैचिंग पैटर्न का, लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है ट्रिपल सी में हैचिंग पैटर्न वाला, इसलिए लिख लीजिएगा ये जरूरी है ठीक है। अरे बस हैचिंग रिफाइन हैचिंग पैटर्न बस लिखी लिखी आप इस फाल लिखी। और अगला क्वेश्चन है कैन नॉट ऐड वीडियो टू लिब्रेऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट में हम वीडियो नहीं ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू होगा फॉल्स होगा, नहीं कहा है नहीं कैन नॉट कहा है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना ऑप्शन दिया है ना, तो ये थोड़ा इस पे अलग है ऑप्शन ही सही होगा फॉल्स, उल्टा लिख दिया है परेशान मत। जनरली द लैंडस्केप आपका जो आपका ओरिएंटेशन तो लैंडस्केप होता है पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट होता है ठीक बहुत बढ़िया ओके 50। एक और कैन यू सेव ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन लिब्रेऑफिस राइटर डायरेक्टली टू गूगल ड्राइव, क्या गूगल ड्राइव में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है क्या होगा ट्रू होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।